हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड पॉलिटी विद सुदेश। सो गाइस, आज जो है हम प्रोनाउन में एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को पढ़ेंगे। ये प्रोनाउन का हमारा लास्ट टॉपिक है और प्रोनाउन में ही पिछली वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन का डिटेल अध्ययन कर लिया था और आज जो है हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन को पढ़ेंगे। तो अब हम बात करें एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का हिंदी डेफिनेशन की। तो इंटरोगेटिव वर्ड व्हाट का प्रयोग जब सेंटेंस में सरप्राइज, आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट, विस्मय व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो इन्हें हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। हमने कहा कि इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट का प्रयोग जब सेंटेंस में सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट व्यक्त करने के लिए किया जाता है तो इन्हें हम एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहते हैं। ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन के बदले यूज होगा और इनका हिंदी अर्थ निकलेगा कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। और ये सब जो है हमारे जो है हृदय से सडन एक्सप्रेशन इमोशन कहलाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट नंबर सेंस या एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज या एस्टोनिशमेंट। तो हमने कहा कि सरप्राइज का हिंदी होता है आश्चर्य, सरप्राइज का हिंदी होता है आश्चर्य, एस्टोनिशमेंट विस्मय। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये कौन से वर्ड हैं जो हमारे सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट को डिनोट करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं, हमने कहा कि व्हाट, व्हाट, तो इनके जस्ट बाद हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और एक होता है हमारा हाउ। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है व्हाट और हाउ हमारे सेंस ऑफ सरप्राइज या एस्टोनिशमेंट होते हैं, जबकि अकेला ये जो है हमारा व्हाट जो होता है प्रोनाउन होता है और हाउ जो है हमारा एडजेक्टिव में यूज करते हैं। तो पहले अगर इसका हिंदी देखें, व्हाट और हाउ का हमारा हिंदी निकलेगा कितना, कितनी, कितने। इन दोनों का हिंदी अर्थ निकलेगा कितना, कितनी, कितने, और भी हो जाएगा हमारा जैसे कैसे, कैसे, कैसा, कैसी, ये इनका हिंदी अर्थ निकलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट का यूज हमारा जो होता है प्रेजेंट ऑफ नाउन, जो अभी सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे, व्हाट का यूज प्रेजेंट ऑफ नाउन यानी कि नाउन की उपस्थिति में होता है, जबकि हाउ की बात करें तो अब्सेंट ऑफ नाउन, अब्सेंट ऑफ नाउन। और ये जो है हमारे हमारे अगर बात करें तो हृदय से, हार्ट से, ये क्या होते हैं, एक्सप्रेस सडन इमोशन कह सकते हैं, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस सडन इमोशन, यानी कि सडन एक्सप्रेशन वर्ड कह सकते हैं, जो अचानक निकल जाते हैं हमारे हृदय से वर्ड, वो हमारे उनका हिंदी कितना, कितनी, कितने, कैसे, कैसा, इस तरह से जो है हम लगा लेंगे। तो अब हम बात करें व्हाट, व्हाट की, तो अब हम ध्यान देंगे कि व्हाट जो होता है हमारा, अब हम व्हाट की बात करेंगे तो व्हाट जो हमारा होता है ये जो होता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है और कह सकते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव में भी यूज होता है। यानी कि व्हाट का यूज हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव दोनों में यूज होता है। और एक बात करें कि यहां पर इंटरजेक्शन में भी यूज होता है, इंटरजेक्शन की तरह भी हमारा
यूज होता है, व्हाट का यूज, इंटरजेक्शन की तरह भी यूज होता है। तो अब ये जो है हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट जो है इनको हम कह सकते हैं एक तरह से कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कह सकते हैं, इनको हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आगे हम डिटेल पढ़ाएंगे इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो है हमने जान लिया कि ये हमारे, अब हम सेकेंड हम देखेंगे कि अब एक चीज और जान ले कि हमारा जो होता है साइन की, अगर हम इनकी बात करें साइन की, जिनका हिंदी होता है चिन्ह, इनकी अगर हम बात करें तो एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, अगर हम बात करें मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन यानी कि जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है हमारा ये होता है, और इनको अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में इनको हम क्या कहेंगे, ध्यान रखेंगे कि इन्हीं मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन को हम अमेरिकन इंग्लिश में एक्सक्लामेशन पॉइंट बोलते हैं, एक्सक्लामेशन पॉइंट बोलते हैं, याद रखेंगे कि अमेरिकन इंग्लिश में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन को हम एक्सक्लामेशन पॉइंट बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड, अब हम देखेंगे कि ये सभी जितने ले रहे हैं हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड है, व्हाट भी हाउ भी एक्सक्लामेटरी वर्ड है। अब हम बात करें एक्सप्रेशन ऑफ जॉय की, तो हा हा आहा हुर्रे एटसेट्रा, ये हमारे जो है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय हुए। अब एक्सप्रेशन ऑफ सारो, जैसे ओह आह अलास, अब देख रहे हैं इनके बाद जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगाए हुए हैं, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड हुए। अब एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, प्रेज की अगर हिंदी की बात करें तो प्रशंसा करने वाले वर्ड, जैसे हमारे पास ब्रेव हो, ये प्रशंसा करने वाले हैं, और इनके जस्ट बाद एक्सक्लामेशन हमारा मार्क लगा हुआ है। तो ये जो हमने समझ लिया, अब हम सेंटेंस लेकर के समझते हैं। सबसे पहले एक और बात जान ले कि एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सारो, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ये जो है हमारे तीनों जो है हमारे एक्सक्लामेटरी वर्ड तो हैं, एक्सक्लामेटरी वर्ड्स तो हैं, लेकिन याद रखेंगे कि ये जो है हमारे न प्रोनाउन है, न प्रोनाउन के लिए यूज होते हैं, न एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, और ये जो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। तो हमने कहा कि ये जो है एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, एक्सप्रेशन ऑफ सारो, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ये एक्सक्लामेटरी वर्ड तो है, न हमारे प्रोनाउन है, न एडजेक्टिव है, ये कैसे हैं, हमारे इंटरजेक्शन है। तो अगर इंटरजेक्शन है तो ये जो है हम जानते हैं कि किसी नाउन के लिए यूज नहीं होगा, प्रोनाउन ही होता है जो नाउन के लिए यूज होता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं, कुछ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखते हैं, जैसे व्हाट यू डोंट नो मोदी, व्हाट यू लॉस्ट द जॉब, व्हाट ही इज अ डकैत, व्हाट ही डिड नॉट हेल्प यू, व्हाट डिडंट यू नो दिस। अब हम ध्यान देंगे इस सेंटेंस को कि व्हाट यू डोंट नो मोदी, क्या आप मोदी को नहीं जानते, यानी कि जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उस व्यक्ति से आशा की जाती है कि वो मोदी को जानता है, अगर फिर भी वो कहे कि मैं मोदी को नहीं जानता तो हमारे हृदय से जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो व्हाट, क्या, ये जो है हमारा जो है व्हाट जो निकलेगा ये हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा। अब हम बात करें कि व्हाट यू लॉस्ट द जॉब, क्या आपने जॉब खो दिया है, तो अब यहां जो देख रहे हैं कि ये जो हमारा हृदय से जो निकलेगा ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होगा, व्हाट ही इज अ डकैत, क्या वह एक डाकू है। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हुआ, व्हाट ही डिड नॉट हेल्प, क्या उसने आपकी मदद नहीं की, तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ये एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हुआ। अब हम ध्यान देते हैं कि व्हाट डिडंट यू नोटिस, क्या आप ये नहीं जानते थे, तो ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन हुआ, और हम जो है इनके जस्ट बाद जो है हमने एक्सक्लामेशन मार्क लगाया हुआ है, और इनके बाद देख रहे हैं कि हमने जो है स्मॉल वर्ड से स्टार्ट किया है।
और ये जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हमारा केवल व्हाट होता है, जो सेंस ऑफ सरप्राइज या एस्टोनिशमेंट डिनोट करता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन तो हमने समझ लिया, अब हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हाट हाउ, अब एक नोट वन देखेंगे कि व्हाट का यूज प्रेजेंस ऑफ नाउन, अगर नाउन है तो वहां व्हाट का यूज करेंगे। अब हाउ का यूज एब्सेंट ऑफ नाउन, अगर नाउन नहीं है एडजेक्टिव है तो हम हाउ का यूज करेंगे। अब नोट सेकेंड देखेंगे कि व्हाट ऐसा स्ट्रक्चर हमारा व्हाट, उसके बाद से आर्टिकल, उसके बाद ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव हमारा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। स्ट्रक्चर में एडजेक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और ये नाउन हमारा सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्लूरल नाउन हो सकता है, और ये जो है व्हाट जो है, ये नाउन तो आया हुआ है तो व्हाट का यूज होगा, और ये जो है व्हाट जो होता है इस नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। जो क्वालिफाई करता है तो ये कैसा हो जाएगा, यूज एज एडजेक्टिव, इसलिए एडजेक्टिव हुआ। तो यहां एडजेक्टिव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, जब ये नाउन को व्हाट क्वालिफाई कर रहा है तो ये कैसा हुआ, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि व्हाट अ क्यूट बॉय, व्हाट अ स्कॉलर बॉय, व्हाट अ अगली मैन, व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ न्यूज, व्हाट अ बिग फूल, व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ लव। अब इनका हिंदी अगर देखें तो व्हाट अ क्यूट बॉय, कितना प्यारा लड़का, कितना प्यारा लड़का, यानी कि जो है ये जो है हमारे सडन एक्सप्रेशन है। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, और ये हमारा आर्टिकल हुआ, और ये हमारा देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आया हुआ है और ये नाउन, एडजेक्टिव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट द स्कॉलर बॉय, यानी कि कितना विद्वान, कितने विद्वान लड़के, यहां देख रहे हैं कि ये जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, और यहां देख रहे हैं कि ये हमारा प्लूरल नाउन है, और ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये देख रहे हैं कि आर्टिकल आया हुआ है, और यहां हम देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, जो नाउन यानी कि बॉयज के बारे में क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि व्हाट द स्कॉलर बॉय, कितना विद्वान लड़के, यानी कितने विद्वान लड़के, यहाँ बॉय तो कितने विद्वान लड़के। अब देख रहे हैं कि व्हाट अगली मैन, कितना भद्दा आदमी, ये नाउन आया, ये एडजेक्टिव आया, आर्टिकल आया, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि व्हाट अ विक्ट्री, कैसी विजय, अब देख रहे हैं कि ये हमारा नाउन आया, आर्टिकल आया, और यहां देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव आया। तो हमने कहा कि एडजेक्टिव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो कैसी विजय। अब देख रहे हैं कि व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, कितना शानदार मूवी, अब देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी, ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव आया, आर्टिकल आया, एडजेक्टिव आया हुआ है, और ये हमारा नाउन, कितना शानदार मूवी। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय, ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, और ये आर्टिकल आया हुआ है, और ये हमारा देख रहे हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा नाउन है। व्हाट अ न्यूज, यानी कि कैसी समाचार, कैसा समाचार, तो अब हम देख रहे हैं आर्टिकल आया हुआ है, ये नाउन आया हुआ है, और ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं कि व्हाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख, अब देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है, और ये हमारा नाउन है। अब देख रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा आर्टिकल हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। व्हाट अ लव, कैसा प्यार, अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। तो यही हमने देखा कि नोट जो है व्हाट, इसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडजेक्टिव आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, और इनके पास जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है, और इस नाउन को व्हाट क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो ये जो है हमने नोट सेकेंड देखा। अब नोट थर्ड में हम देखते हैं, अब इनके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है और उसके बाद वर्ब आ जाता है, ये थर्ड हमारा नोट देखेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग सेंटेंस में
सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, जॉय, सारो, यानी कि आश्चर्य, विस्मय, हर्ष और दुखी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव है तो ये नाउन के पहले यूज होगा। जैसे अब हम देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव व्हाट और हाउ। नोट वन में देखेंगे कि व्हाट का यूज प्रेजेंस ऑफ नाउन और हाउ का यूज अब्सेंट ऑफ नाउन, या अगर अब्सेंट ऑफ नाउन, अगर नाउन नहीं है एडजेक्टिव है तो हाउ का यूज करेंगे। अब नोट सेकंड देखेंगे कि व्हाट, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है एडजेक्टिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये नाउन जो है, व्हाट जो है नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। व्हाट जो है नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो ये क्वालिफाई करेगा तो ये व्हाट कैसे यूज होगा, यूज एज एडजेक्टिव, यानी कि व्हाट जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होगा क्योंकि व्हाट नाउन को क्वालिफाई करेगा। और हम ध्यान रखेंगे ये नाउन हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे व्हाट अ क्यूट बेबी। अब देख रहे हैं कि कितना प्यारा जो है बच्चा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा व्हाट जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, आर्टिकल हुआ है, और ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आया हुआ है, और ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारा नाउन है, सिंगुलर नाउन हुआ। अब देख रहे हैं कि व्हाट द स्कॉलर बॉयज। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा आर्टिकल हुआ, और ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा प्लूरल नाउन हुआ। तो व्हाट द स्कॉलर बॉयज, यानी कि कितने विद्वान लड़के, ये हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि व्हाट अगली मैन, कितना भद्दा आदमी, ये देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये देख रहे हैं कि एडजेक्टिव आया हुआ है, और ये हमारा नाउन है। अब व्हाट अ विक्ट्री, कैसी विजय, देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, और ये आर्टिकल हुआ, और ये देख रहे हैं कि नाउन हुआ। व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय, ये देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हमारा हुआ, और ये आर्टिकल हुआ, और ये हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है, और ये हमारा नाउन। तो हर सेंटेंस में देख रहे हैं कि व्हाट जो है नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और एक बात एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के जान ले कि एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में लगता है, लास्ट नाउन में लगता है। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, कितना शानदार जो है मूवी। तो अब ये देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और यहाँ एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। व्हाट अ न्यूज, कैसा, यानी कि समाचार, कैसा न्यूज, ये जो है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। अब हम ध्यान देंगे कि व्हाट अ बिग फूल, कितना बड़ा मूर्ख। अब देख रहे हैं कि ये जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, और ये जो है हमारा आर्टिकल हुआ, और ये ध्यान दे रहे हैं कि ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, और ये हमारा नाउन हुआ। अब देख रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार, अभी देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये नाउन हुआ। व्हाट अ लव, कैसा प्यार, देख रहे हैं कि ये जो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और ये नाउन हुआ। तो इनमें हमने देखा कि एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन या एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, इनका हिंदी अर्थ व्हाट और हाउ, अभी हम देखेंगे, अभी हमने व्हाट देखा है, इनका हिंदी अर्थ निकलता है कितना, कितनी, कितने, कैसी, कैसा, कैसा, कैसी, किसे, ठीक, ये जो है इनका हिंदी अर्थ निकलता है। अब हम नोट जो है थर्ड देखते हैं, देखेंगे कि व्हाट के बाद हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इनके बाद हमारा नाउन, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा वर्ब। और ध्यान रखेंगे कि ये जो है नाउन जो है को हमारा व्हाट जो है नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। व्हाट जो है नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो ये जो है हमारा यूज एज एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस, जैसे व्हाट अ बॉय ही इज, देख रहे हैं कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री दैट वाज,
व्हाट अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज। तब देख रहे हैं कि व्हाट अ बॉय ही इज, यानी कि व्हाट अ बॉय ही इज, कैसा लड़का है, वह कैसा लड़का है। तब हम देख रहे हैं कि ये जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, आर्टिकल है, और यहां हम ध्यान दे रहे हैं कि ये नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। अब देख रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, यानी कि कितना सुंदर दृश्य है। अब देख रहे हैं कि ये जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ और ये आर्टिकल हुआ और ये जो है हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है और ये हमारा नाउन हुआ और ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये हमारा वर्ब हुआ। अब हम ध्यान देते हैं कि व्हाट अ बिग बिल्डिंग इट इज, कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो है देख रहे हैं कि ये भी हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ और ये हमारा एडजेक्टिव हुआ और ये हमारा जो है नाउन हुआ, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। इसी तरह से देख रहे हैं कि व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री दैट वाज, कितनी बड़ी विजय थी जो है। अब हम ध्यान देते हैं कि ये जो है व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ और ये आर्टिकल हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव आया हुआ है, ये नाउन है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। अब ध्यान देंगे कि व्हाट अ पेयर, अब हम नोट फोर्थ देखेंगे कि व्हाट के बाद अगर हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन आता है, उनके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन, उसके बाद हमारा आप, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव आता है और उनके बाद हमारा प्लूरल नाउन आता है। तो अब ये जो है हमारे नाउन को क्या करेंगे, व्हाट जो है क्वालिफाई करेगा, तो ये जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, यूज एज एडजेक्टिव। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि व्हाट अ पेयर ऑफ ब्यूटीफुल शूज, कितने सुंदर जूते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि व्हाट जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ, आर्टिकल हुआ, और यहां ध्यान दे रहे हैं कि ये जो है हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ और ये आप है और ये हमारा एडजेक्टिव है और यहां देख रहे हैं कि ये हमारा प्लूरल नाउन है। तो ये हमने देखा कि जो है कि व्हाट उसके बाद इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, उसके बाद एडजेक्टिव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसके बाद नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और ये जो है व्हाट जो है नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव का कार्य करेगा। और नोट फोर्थ में हमने देखा कि व्हाट के बाद इंडेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद कलेक्टिव नाउन, उसके बाद आप, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद प्लूरल नाउन, और इस प्लूरल नाउन को व्हाट क्वालिफाई करेगा तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। ये जो है हमने जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव जो है हमने व्हाट पर देख लिया। अब हम हाउ पर देखते हैं कि अगर हमारा नाउन गायब रहता है, केवल एडजेक्टिव दिया रहता है। नोट फाइव देख रहे हैं कि हाउ, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव, उसके बाद हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम देख रहे हैं कि नाउन नहीं आया हुआ है, तो ये एडजेक्टिव हमारा कॉम्प्लीमेंट का कार्य करेगा। और हमने बताया था कि हाउ का यूज नाउन के अब्सेंट में होता है, तो एडजेक्टिव आता है, तो यही एडजेक्टिव हमारा कॉम्प्लीमेंट का कार्य करता है। अब हम सेंटेंस देखते हैं कि हाउ स्ट्रांग, कितना अजीब। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। हाउ डैशिंग, कितना जोशीला। अब ये देख रहे हैं कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अब देख रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। हाउ क्यूट, कितना प्यारा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अब देख रहे हैं हाउ स्टडियस ही इज, वह कितना अध्ययनशील है। तो अब ये जो देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। अब देख रहे हैं हाउ क्यूरियस दे आर, वे कितने जिज्ञासु हैं। अब ये देख रहे हैं कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। हाउ परफेक्ट इट इज, यह कितना सही है। तब हम देख रहे हैं कि हाउ का यहाँ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो हमने जो है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के साथ साथ एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को भी देख लिया, और आज जो है हमारा प्रोनाउन यही समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो।